Zombie Apocalypse. बिना किसी झिझक के हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स इस ब्रह्मांड की सबसे अजीब जगहों में से एक है। ब्लैक होल्स को अगर हम एक सिंपल भाषा में कहें तो ये स्पेस की एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी चीज़ इससे बच नहीं सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। मैं हूँ फैक्ट सिंह एंड दिस इज़ फैक्ट्स विद वीर जी। इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक होल्स की सैर कराऊँगा, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनीथिंग कैन बिकम अ ब्लैक होल। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकता है। किसी भी चीज़ की डेंसिटी या घनत्व जितना ज़्यादा रहेगा उसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ज़्यादा होगी। देखिए, ब्लैक होल एक सिंपल डेंस ऑब्जेक्ट है जिसका घनत्व और इसके चलते इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा रहती है कि ये लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेती है, और लाइट इस यूनिवर्स की हाईएस्ट स्पीड में ट्रेवल करती है। तो अगर लाइट बचकर नहीं निकल पाती तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ से निकलेंगी? ब्लैक होल की ग्रेविटी से। पर किसी भी पदार्थ को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर दें। अगर आप माउंट एवरेस्ट को कंप्रेस करके एक नैनोमीटर से भी कम साइज़ में कर दो तब वो ब्लैक होल बन जाएगा, और अगर आप धरती को कंप्रेस करके एक मटर के दाने जितना कर दो तो धरती भी ब्लैक होल बन सकती है। वैसे भी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक होल। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनका साइज धरती से लाखों अरबों गुना ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है अगर उस स्टार को हम इतना छोटा कर दें कि वो धरती के साइज में आ जाए तो वो एक ब्लैक होल बन सकता है। पर अच्छी बात ये है कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ब्रह्मांड में ऑलरेडी होता है। जब किसी तारे की डेथ होती है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तब वो अपने अंदर ही कलैप्स करने लगता है और उसका घनत्व बढ़ने लगता है। घटते घटते उसका साइज इतना छोटा हो जाता है और उसका घनत्व और ग्रेविटी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लाइट भी अब उससे बच नहीं सकती। वो छोटा पॉइंट जहाँ पे वो स्टार घट कर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। मैं श्योर हूँ कि आपने सिंगुलैरिटी के बारे में पहले ज़रूर सुना होगा। इवेंट होराइजन। ब्लैक होल का वो बाउंड्री जहाँ से लाइट स्किप नहीं कर सकती उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। मतलब इवेंट होराइजन से पहले लाइट बचकर जा सकती है पर उसके आगे नो चांस। ब्लैक होल्स को हम ब्लैक होल्स क्यों कहते हैं? क्या आपको पता है कि ब्लैक होल्स को ब्लैक होल्स क्यों कहा जाता है? ब्लैक होल से लाइट स्किप नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक होल्स में लाइट नहीं होती, पर वो जो लाइट है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि ब्लैक होल से लाइट बचकर नहीं जा सकती। तो जब वहां से लाइट बचकर नहीं निकलेगी तो वो आपकी आंखों तक कैसे पहुंचेगी? इसीलिए ये हमें ब्लैक दिखता है। ब्लैक होल्स अफेक्ट टाइम। ब्लैक होल्स टाइम को भी अफेक्ट करते हैं। ब्लैक होल्स का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि ये स्पेस को डिस्ट्रॉट कर देती है। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे अनुभव करता है। मतलब कि ब्लैक होल्स के सामने की टाइम बाकी जगहों के हिसाब से धीरे चलती है। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं जो ब्लैक होल्स के चक्कर लगा रही है। मान लेते हैं वो इवेंट होराइजन से दूर है, वो एक सेफ जगह पर चक्कर लगा रही है। उस स्पेसशिप के अंदर की टाइम बाहर के मुकाबले स्लो हो जाएगी और आप टाइम ट्रैवल कर पाओगे। अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाओगे तो क्या होगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिरोगे तो क्या होगा? क्या आप सिंपली उसके अंदर चले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। असल में आपका शरीर एक रबड़ की तरह स्ट्रेच होगा जब आप उसके अंदर जाओगे। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। मान लीजिए आप जब ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हो तब आपका पैर ब्लैक होल की तरफ है। आपका बॉडी का वो पार्ट जो ब्लैक होल के करीब है, मतलब कि आपका पैर,
वो ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स को अनुभव करेगा उसके मुकाबले जो पार्ट ब्लैक होल से दूर है, मतलब कि आपका सर। इसीलिए आपका बॉडी रबड़ की तरह खिंच जाएगा, आपके बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। पर डरिए मत, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वो हजारों प्रकाश वर्ष दूर है इस सौरमंडल से। सो क्वेश्चन ये आता है कि धरती से सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल कौन सा है, और एक क्वेश्चन आता है कि क्या ब्लैक होल्स धरती को निगल सकता है। जैसे कि मैंने कहा, वो ब्लैक होल हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। सिग्नस X1 नाम का एक ब्लैक होल है जो धरती से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है, और उसका मास सूर्य से 15 गुना ज़्यादा है। पर वो इतना दूर है कि धरती या सौरमंडल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक कर दो अगर ये वीडियो पसंद आया तो, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने फैक्ट्स विद वीर जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।